distinction between adsorption and absorption. Now दोस्तों ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है adsorption जो होता है वो only surface पे होता है, it is not bulk phenomenon, while absorption is bulk phenomenon. चलिए देखते हैं. In adsorption the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. दोस्तों ये मॉलिक्यूल बल्क के अंदर नहीं जाते. Does not penetrate through the surface to the bulk. सरफेस से बल्क के अंदर नहीं जाएंगे. While in absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. जबकि बेटा absorption के अंदर सब्सटेंस जो है वो सरफेस से होके बल्क के अंदर फैल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक, जब कोई चॉक स्टिक को जैसे वाइट चॉक आप ले लो और उसको आप कोई इंक के सॉल्यूशन के अंदर डीप करो तो क्या होगा, द सरफेस रिटेन्स द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू एडसॉर्प्शन ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल. दोस्तों चॉक के बाहर का जो सरफेस जो हम देख पा रहे हैं उस पे वो इंक जो है वो स्टिक हो जाएगी. व्हाइल द सॉल्वेंट ऑफ द इंक गोज डीपर इन टू द स्टिक ड्यू टू एब्सॉर्प्शन. दोस्तों आप चॉक स्टिक को अगर ब्रेक करोगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि सॉल्वेंट जो था वो पूरा अंदर तक चला गया है चॉक स्टिक के अंदर, जबकि जो कलर था इंक का कलर वो अंदर नहीं जाएगा. वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे कलर के वो ओनली चॉक के आउटर मोस्ट लेयर पे ही स्टिक रहेंगे. ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक इट इज फाउंड टू बी वाइट फ्रॉम इनसाइड. देखा दोस्तों अभी हमने बात करी कि सॉल्वेंट अंदर जाएगा तो अंदर जो है वो चॉक, अंदर का जो चॉक है अंदर के जो चॉक के पार्टिकल है वहां पे सॉल्वेंट होगा, मतलब वो गीला हो गया होगा बट वहां पे कलर नहीं होगा. अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर वेपर. दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये जो बहुत बार पूछा गया है. वाटर वेपर्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एडसॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल. सिलिका जेल जो है ना दोस्तों, सिलिका जेल वो क्या करता है, ओनली सरफेस पे वाटर उसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड ठीक है और वाटर वेपर, तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर को एब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब अंदर चला जाएगा पानी कैल्शियम क्लोराइड के अंदर. इन अदर वर्ड्स इन एडसॉर्प्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट. एडसॉर्प्शन के अंदर ओनली सरफेस पे ही कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वाइल इन एब्सॉर्प्शन द कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म. जो अभी हमने आगे पढ़ा कि पूरे बल्क के अंदर जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, यूनिफॉर्म हो पूरे बल्क के अंदर, तब उसको दोस्तों हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन. ओके, नाउ बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल्सो एंड द टर्म सॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेसेस. अब दोस्तों जब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन एक साथ होगा तो उसको हम बोलेंगे सॉर्प्शन. क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे सॉर्प्शन. यस, चलिए नाउ मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एडसॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्क. अब यहां पे दोस्तों मेंशन किया हुआ एडसॉर्प्शन होता क्यों है. इट अराइजेस, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इट अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सर्फेस पार्टिकल ऑफ एडसॉर्बेंट आर नॉट
ओके आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्क. देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एडसॉर्बेंट है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे ना उनका एनवायरमेंट जो है, ठीक है, उनका एनवायरमेंट और बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, ये देखो ब्लू डॉट्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लू गोले में यहाँ पे बना रहा हूँ, उनका एनवायरमेंट अलग है और ये जो बाहर है ना ब्लैक, उनका एनवायरमेंट भी अलग है. आ रहा है आपको समझ में? इनसाइड द एडसॉर्बेंट ऑल द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड. अंदर जो दोस्तों पार्टिकल है ना उसका जो फोर्स है वो म्यूचुअली बैलेंस हो जाता है क्योंकि उसके आसपास सेम मॉलिक्यूल रहते हैं. बट ऑन द सर्फेस द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स. क्योंकि जो एज पे होते हैं है ना, तो वो सराउंडेड नहीं होते. समझ रहे हो आप? जैसे ये मैं ड्रॉ कर दूं तो ये पार्टिकल है, इसको यहां पे और यहां पे फोर्स लग सकता है, बट इस तरफ तो कोई पार्टिकल है नहीं क्योंकि ये एज पे है. जबकि बीच में कोई पार्टिकल होगा तो उसको ऊपर से भी अट्रैक्शन लगेगा, यहां पे मॉलिक्यूल है, इस तरफ से अट्रैक्शन लगेगा, इस तरफ मॉलिक्यूल है, इस तरफ भी होगा, इस तरफ, सब जगह अट्रैक्शन यहाँ पे इस पे सेम लगेंगे. जबकि यहाँ पे है ना म्यूचुअली बैलेंस फोर्स यहाँ पे नहीं होगा, जो एज पे होंगे उनकी बात है. और मॉलिक्यूल्स ऑफ द काइंड ऑन ऑल साइड्स एंड हेंस दे पोजेस अनबैलेंस रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स. जो बाहर एज पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर अनबैलेंस फोर्स होता है, रेसिडुअल फोर्स बोलेंगे उसको, रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स. दिस फोर्सेज ऑफ द एडसॉर्बेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एडसॉर्बेंट पार्टिकल. और वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो एज पे पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडसॉर्बेंट को अपने सर्फेस पे दोस्तों अट्रैक्ट करते हैं. द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सर्फेस एरिया. जितना सर्फेस एरिया ज्यादा उतना यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग एडसॉर्प्शन इज द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन. हीट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्स ऑफ द सर्फेस. क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे जो सर्फेस है यहाँ पे ये जो एज पे मॉलिक्यूल थे उनका फोर्स कैसा था, अनबैलेंस था, उनके ऊपर रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्स था. बट जैसे ही आप देखो ये मैं यहाँ पे डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लू डॉट्स जो बाहर मैं डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ वो एडसॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं. दिस आर एडसॉर्बेंट. अब एडसॉर्बेंट आने के बाद उनका जो रेसिड्यूअल फोर्स है ओके क्या हुआ, वो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ये एज के मॉलिक्यूल हैं वो भी ऊपर कोई ना कोई पार्टिकल से कवर हो गए. दैट इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपियर्स एट हिट. इज इट क्लियर? डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि सरफेस पहले कवर नहीं था, अनबैलेंस फोर्स था, अब धीरे धीरे कवर हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर आ रहा है एडसॉर्बेंट पार्टिकल और उसकी वजह से हिट जनरेट हो रही है. एडसॉर्प्शन देयरफॉर इज इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और दूसरी तरीके से आप सोचो तो भी हम ये सोच सकते हैं कि ये ब्लू पार्टिकल जैसे यहाँ पे आके, ये ब्लू पार्टिकल यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने से कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होगी, इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है दोस्तों ये. इन अदर वर्ड्स डेल्टा एच ऑफ एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. अब डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है. When a gas is adsorbed, the freedom of movement of its molecule becomes restricted. अब दोस्तों गैस एडसॉर्ब हुआ तो धीरे धीरे पार्टिकल्स पास में आएंगे तो उनका मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. एंड दिस अमाउंट टू डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस आफ्टर एडसॉर्प्शन. गैस एडसॉर्ब हो गया फिर उसमें रैंडमनेस कम हो गया, रैंडमनेस कम हो गया एंट्रोपी कम हो गया. एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस, वो भी नेगेटिव है. अब दोस्तों आप सोचो कि डेल्टा एच इज नेगेटिव, आप सोचो अच्छे से. नाउ डेल्टा एस इज ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पे वो भी नेगेटिव है. एडसॉर्प्शन इज दस अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी.
ओके एडसॉर्प्शन क्या हुआ यहाँ पे, डिक्रीज इन एंथैल्पी है एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी भी डिक्रीज एंथैल्पी भी डिक्रीज. फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस द थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए. देर इज डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन दिस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ डेल्टा एच हैज सफिशियंटली हाई नेगेटिव. यहाँ पे डेल्टा एच बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा. आप देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है डेल्टा जी नेगेटिव होने की. नेगेटिव वैल्यू ऑफ वैल्यू एस माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है. तो ये नेगेटिव दोनों आउटकम पॉजिटिव आएगा. तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तभी ये नेगेटिव निकल के आएगा. और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आया तो समझ लो फिर रिएक्शन कैसा हो गया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया. दस एन एडसॉर्प्शन प्रोसेस विच इज स्पॉन्टेनियस अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फैक्टर मेक्स डेल्टा जी नेगेटिव. एज द एडसॉर्प्शन प्रोसेस प्रोसीड्स डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव. अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस और फिर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा. धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे जो स्ट्राइक होना पार्टिकल का स्ट्राइक होना कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस पूरा कवर हो जाएगा. इसीलिए जो डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है वो धीरे 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 पॉजिटिव होता जाएगा और उसकी वजह से ये वैल्यू और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. और अगर इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा ज़ीरो और फिर हो जाएगा दोस्तों इक्विलिब्रियम क्योंकि डेल्टा जी जब ज़ीरो होता है तब वो कंडीशन है इक्विलिब्रियम का. आई होप दोस्तों ये फंडा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा. चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स. इफ एक्युमुलेशन ऑफ गैस ऑन अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ वीक वैन डेर वाल्स फोर्स द एडसॉर्प्शन इज टर्म्ड एज फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन. दोस्तों अगर यहाँ पे एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट दोनों के बीच में अगर वीक अट्रैक्शन है, समझ लो अट्रैक्शन है ही नहीं, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन, तो उसको फिजिसॉर्प्शन बोलेंगे, फिजिकल एडसॉर्प्शन बोलेंगे दोस्तों. एंड वेन द गैस मॉलिक्यूल और एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सर्फेस बाई केमिकल बॉन्ड. जब दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा किसके बीच में, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट, इन दोनों के बीच में जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तब उसको हम दोस्तों बोल सकते हैं केमिसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन. द केमिकल बॉन्ड्स मे बी कोवेलेंट और आयनिक इन नेचर. यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा ना वो या तो हो सकता है कोवेलेंट या तो आयनिक. केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए यहाँ पे एनर्जी जो है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप केमिकल रिएक्शन दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहाँ पे हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत है. देयरफॉर ऑफन रिफर्ड एज एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन. इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन. समटाइम्स दिस टू प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली एंड इट इज़ नॉट ईजी टू एसर्टेन द टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन. ये दोनों एक साथ होते हैं कभी कभी, तो तब पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भी फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है या केमिस्ट ऑप्शन. तो दोस्तों हमें यहाँ पे याद रखना होगा अ फिजिकल एडसॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इन टू केमिकल एडसॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ही दोस्तों फिजिकल जो है वो केमिकल एडसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. आप देखिए इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल डाइहाइड्रोजन इज फर्स्ट एडसॉर्ब्ड ऑन निकल. डाइहाइड्रोजन सबसे पहले निकल के साथ वैन डेर वाल्स फोर्स, यहाँ पे वैन डेर वाल्स फोर्स होता है दोनों के बीच में निकल और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे फिजिकल एडसॉर्प्शन हुआ. मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोशिएट. जब क्या हुआ, फिजिकल एडसॉर्प्शन हो गया, फिर एच टू जो है वो एच एच में ब्रेक हो गया दोस्तों और फिर हाइड्रोजन एटम फॉर्म हो गया विच आर हेल्प ऑन द सर्फेस बाय केमिकल एडसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन. तो पहले हाइड्रोजन निकल के सरफेस पे
वांडरवाल्स फोर्स से अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद वहां पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो केमिस्ट ऑप्शन हुआ। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन के, फिजिस ऑप्शन के और केमिकल ऑप्शन के, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिस ऑप्शन, फर्स्ट वन इज लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। अ गिवन सरफेस ऑफ एन एडसॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर गैस एज द वैन डेर वाल्स फोर्स आर यूनिवर्सल। मैंने पहले ही आपको बोला वैन डेर वाल्स फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, यूनिवर्सल है। तो यहां पे समझ लो आप जो सरफेस एडसॉर्बेंट जो है, ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर हो रहा है एडसॉर्प्शन और जो गैस आ रहा है एडसॉर्बेंट, यहां पे अट्रैक्शन है नहीं समझ लो दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक नहीं हुआ, स्पेसिफिक नहीं हुआ है ना। यहां पे कोई प्रेफरेंस है ही नहीं कि दोनों के बीच में पर्टिकुलर ये बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर कोई कंडीशन होता तो फिर यहां पे वो स्पेसिफिक कहलाता, बट यहां पे कंडीशन है नहीं क्योंकि वीक फोर्स है, तो कोई भी गैस यहां पे सॉलिड सरफेस पे फिजिस ऑप्शन यहां पे होना इजी है, फिजिस ऑप्शन हो सकता है किसी भी गैस का, किसी भी सरफेस पे फिजिस ऑप्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज दिस अट्रैक्शन इज यूनिवर्सल। सेकेंड, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। ओके चलिए, द अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब बाय सॉलिड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इन जनरल इजीली लिक्विफेबल गैसेस दैट इज, इट मींस दैट विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा वो गैस इजीली लिक्विफाई होते हैं। आप देखिए मैं आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ये सॉलिड सरफेस है, ये गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, हमें पता है गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। सपोज अगर ये मॉलिक्यूल लिक्विफाई हो जाते तो लिक्विड मॉलिक्यूल पास में होते हैं, तो जब गैस एडसॉर्ब हुआ तो गैस के ओनली तीन मॉलिक्यूल आ पाए। बट अगर सपोज यहाँ पे लिक्विड एडसॉर्ब हो रहा है तो लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे, तो लिक्विड के टोटल 5 मॉलिक्यूल्स आए। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल पास में होते हैं उसीलिए उनका एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा, सॉलिड का एडसॉर्प्शन, सॉरी गैस का एडसॉर्प्शन कम होगा, लिक्विड का एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो गैस को अगर हम लिक्विफाई कर दें तो हम एडसॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं। बड़ी सिंपल चीज़ है दोस्तों समझने के लिए। और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई वो गैस इजीली लिक्विफाई होते हैं, दे आर रेडिली एडसॉर्ब्ड एज वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। दस, 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एडसॉर्ब्स मोर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विथ क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन देन मीथेन विथ क्रिटिकल टेम्परेचर 190 विच इज स्टिल मोर देन 4.5 ml ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दिस मच 33। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा वो ईजीली लिक्विफेबल है, और जिसका लिक्विफिकेशन ईजी उसका एडसॉर्प्शन ईजी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिवर्सिबल नेचर, यहां पे रिवर्सिबल नेचर है फिजिकल एडसॉर्प्शन का। फिजिकल एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहां पे अट्रैक्शन है नहीं एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में, तो इसीलिए रिवर्सिबल है। गैस आएगा और फिर भाग जाएगा, आएगा फिर भाग जाएगा, है ना। तो सॉलिड प्लस गैस, गैस ऑन सॉलिड प्लस हीट, जैसे हमने बोला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मोर ऑफ गैस इज एडसॉर्ब्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो सरफेस पे तीन मॉलिक्यूल आने हैं वहाँ पे 5 आ पाएंगे क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल, एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वापस से गैस सरफेस छोड़ के भाग जाएगा। सिंस द एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक द फिजिकल एडसॉर्प्शन अकर्स
रेडिली एट लो टेम्परेचर। दोस्तों जैसे कि हमें पता है ये एक्सोथर्मिक है, तो इसीलिए लो टेम्परेचर पे प्रेफरेबल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस जो है वो भाग जाएगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, और हीट अप्लाई करोगे तो दूर तो है ही ऑलरेडी गैस, और दूर चला जाएगा, है ना। लीस्ट सेटलर्स प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ऑलरेडी दोस्तों हमने आगे पढ़ा कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतने यहाँ पे जो रेसिडुअल फोर्स होंगे सरफेस के, ठीक है, जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे सरफेस के वो अनबैलेंस होंगे, तो उतना यहाँ पे एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो पाएगा ऑफ द एड्सॉर्बेंट। दस फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड पोरस सब्सटेंस हैविंग लार्ज सरफेस एरियाज आर गुड एड्सॉर्बेंट। जिनकी पोरोसिटी ज़्यादा होगी, पोरस सरफेस जो होगा, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, पाउडर्ड फॉर्म में होगा, तो वो बेस्ट एड्सॉर्बेंट सरफेस कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। नो डाउट फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट द एंथैल्पी इज क्वाइट लो, क्योंकि यहाँ पे वैन डेर वाल्स फोर्स की वजह से ज़्यादा पास में नहीं आएंगे मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के पास में ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, 20-40 किलो जूल पर मोल। दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैमिसॉर्प्शन, हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन है ना, बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। कैमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल ओनली अकर इफ देर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। जैसे हमने बात करी कि जिस पे हो रहा है बेंट और जिसका हो रहा है एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेंट, दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन है, इसीलिए स्पेसिफिक है ये कि जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वही एड्सॉर्ब होगा, है ना दोस्तों। चलिए फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन मेटल बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन एड्सॉर्ब हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रहा है, हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, सो दे आर हाईली स्पेसिफिक, याद रखेंगे हम। इररिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे एक बार एड्सॉर्प्शन हो गया वो एड्सॉर्प्शन इररिवर्सिबल है। एज केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन अभी हमने देखा, हाइड्राइड फॉर्मेशन, इट इज यूजुअली इररिवर्सिबल। केमिसॉर्प्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की ज़रूरत है ना यहाँ पे, तो लो टेम्परेचर जो होगा उस पर स्लो होगा ये। लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस एड्सॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। अभी हमने दोस्तों आगे पढ़ा था टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केमिसॉर्प्शन फेवर करेगा। फिजिसॉर्प्शन ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर मे चेंज इनटू केमिसॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। यूजुअली हाई प्रेशर इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर केमिसॉर्प्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। ये कॉमन है, लाइक फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। भाई दोस्तों कोई भी एड्सॉर्प्शन हो, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होने वाला है पता है हमें, रेसिडुअल फोर्स जो होंगे, अट्रैक्शन फोर्स जो होंगे, ठीक है, सबसे पहले अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो यहाँ पे होगा सरफेस के ऊपर और एंथैल्पी नेगेटिव होगी, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना फिजिकल एड्सॉर्प्शन है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन, दोनों का रेट ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन इज हाईली हाई एज इट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है, इसीलिए एंथैल्पी इसकी ज़्यादा है, 80-240। चलिए दोस्तों इसको समराइज करते हैं इसको, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। चलिए इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और यहां पे केमिकल बॉन्ड है जैसे हमने देखा. नॉट स्पेसिफिक, यहां पे कोई भी गैस कोई भी सॉलिड पे एडसॉर्ब हो सकता है क्योंकि यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन का कंडीशन नहीं है. एंड केमिस्ट ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक, जैसे दोस्तों हमने आगे देखा यहां पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे, है ना, क्या फॉर्म होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, याद रखना है दोस्तों हमें. चलिए, इट इज रिवर्सिबल, इजी है ये. वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है इसीलिए गैस आएगा एडसॉर्ब होगा फिर भाग जाएगा, तो रिवर्सिबल है. यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड हाइड्राइड फॉर्मेशन, इसीलिए इरिवर्सिबल है ये. डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, मोर इजीली लिक्विफेबल गैसेस आर एडसॉर्ब रेडिली. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, गैस विच कैन रिएक्ट विद द एडसॉर्बेंट, शो केमिस्ट ऑप्शन, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म करना है यहाँ पे. एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन अभी हमने देखा 20 टू 40 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे 80 टू 240 किलो जूल पर मोल. लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडसॉर्प्शन, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ही गैस मॉलिक्यूल भाग जाएंगे, हमने पढ़ा अभी. और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगा. और यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वही फेवरेबल है केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए. इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है ही नहीं और यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है. डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. Results in multi-molecular layer on adsorbent surface under high pressure. अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बहुत सारे गैस यहाँ पे आके एडसॉर्ब हो सकते हैं एडसॉर्बेंट सरफेस पे, जबकि यहाँ पे यूनिमोलिकुलर लेयर होगा दोस्तों. तो दोस्तों ये बात हो गई, हमने दोस्तों यहाँ पे पढ़ लिया है. आज इस लेक्चर में हमने शुरू किया था मैकेनिज्म, सबसे पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन, फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म और फिर हमने देखा टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन. तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स. लाइन टू लाइन दोस्तों पढ़ने में एनसीईआरटी बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बोर्ड का पेपर तो यहीं से निकलता है, प्लस नीट और JEE के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके हर एक लाइन अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से लर्न करा होगा और अच्छे से इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई किया होगा जो मैं बोलता आया हूँ मेरे लेक्चर में पहले से, अंडरस्टैंड लर्न एंड अप्लाई, तो आपको अच्छे रिजल्ट लाने से कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता. ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, हमारे एफर्ट्स को यहाँ पे आपको लाइक ज़रूर करना है. चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें. थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू सो मच.